नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनहित आवाज में। मैं हूँ आपके साथ पूजा। और आज यहाँ जंतर मंतर पर ये जो आप देख रहे सामने धरना प्रदर्शन हो रहा है ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया का, तो ये लोग कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या इनकी मांगे हैं, इन्हीं सबसे अभी सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है संजय सिंह वी, मैं ट्रेड यूनियन सेंटर ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी हूँ, महासचिव। सर, क्या कुछ समस्या आई है कि आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, और क्या कुछ मुद्दे हैं आप? ये धरना तो मुख्य एक मुद्दे पे लिया है कि जो चार नए लेबर कोड बनाए गए हैं, मजदूर संहिता जो सरकार की तरफ से बनाई गई है, फिलहाल वो अभी तक लागू नहीं की गई है, पर हमारी मांग है कि ये चारों संहिता को वापस लिया जाए और ये अमल में नहीं लाई जाए। ये हमारी मांग को लेकर हमने अलग अलग यूनियंस को इस मंच पे बुलाया है और हमने कहा है कि जो भी यूनियंस ये सवाल के साथ सहमत हो, ये सब एक साथ एक मंच पे आके इसके खिलाफ लड़े, इसकी तरफ ये पहला कदम। अच्छा, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं वो सब में जो आप बता रहे हैं कि सरकार ने लागू की? ये जो कानून लागू किए गए हैं उसमें कई नई चीजें लागू की गई है। उदाहरणतः पहली चीज है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। आज मोटा मोटी दुनिया में या अपने देश में कानून ये है कि जो भी मजदूर 240 दिवस लगातार काम करे उसे परमानेंट बनना जरूरी है, ताकि ये कई राज्यों में है और अभी केंद्र सरकार ने भी धीरे धीरे वो मानना शुरू किया है। वो कुछ कई राज्यों में, महाराष्ट्र में 71 में शुरू किया था और दूसरे राज्यों ने वहाँ से लिया था और कई राज्यों में वो कानून बन गया है। अभी सरकार ने नया कानून लाया है कि मालिक कोई भी मजदूर को एक फिक्स टर्म के लिए, यानी एक नियमित समय के लिए अगर काम पे लगाए तो उसको परमानेंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब अगर किसी को एक साल के लिए पहले से ही बोला जाए कि आपको एक साल के लिए ही लगाया जाएगा तो उसे परमानेंट बनाने की जरूरत ही नहीं, 240 दिन हो या 480 दिन हो। फिर एक साल का वो बढ़ाते जाएंगे, दो साल कर सकते हैं, वैसे तीन साल का कॉन्ट्रैक्ट देके 10 बार वो अगर बढ़ाते जाए तो नॉर्मली जो मजदूर की वर्किंग जिंदगी होती है 30 साल की पूरी खत्म हो जाएगी। तो परमानेंट मजदूर रहेंगे ही नहीं, कोई परमानेंट नहीं रहेगा, और इसका ये भी असर होगा कि यूनियन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिए जो कानून है उसमें भी तब्दीली की है। आज जो कुछ भी थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट मजदूरों के लिए फायदे है वो उन स्थापना में लागू होते हैं जहाँ पे 20 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मजदूर हैं। अभी बदल करके वहाँ पे लिखा गया है कि जहाँ पे 50 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट मजदूर होंगे वहीं पे ये लागू होगा। यानी ज़्यादातर जो छोटे मोटे कारखाने जहाँ पे मजदूर को लगाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये सब कॉन्ट्रैक्ट मजदूर ये इसके संरक्षण से निकल जाएंगे। और एक चीज़ है कि आज कानून ये है कि अगर 100 से ज़्यादा मजदूर हो किसी आस्थापना में तो वहाँ पे ले ऑफ, छटनी या क्लोजर करने के लिए सरकारी परवाना लेना पड़ता है। अभी सरकार ने ये आंकड़ा बदल के 300 कर दिया है। इसका मतलब है कि 70% आस्थापना जहाँ जो कि ये संरक्षण के अंदर के छतरी के अंदर आते थे, ये सब इसके बाहर निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो कर रहे हैं ये पूरे मालिकों की मांग के लिए, जिस मालिकों की मांग 1990 से रही है कि हायर एंड फायर हो, कभी भी हम मजदूर को काम पे लगाए कभी भी निकाल दें। आप जानते हैं कि अभी आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कैसे बढ़ रहा है, इसके वजह से मालिकों को हायर एंड फायर की ज़रूरत है, ताकि कॉन्ट्रैक्ट पे जब वो लेंगे मजदूर तो वो कभी भी निकाल सकते हैं। इसलिए तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया है, इसलिए कैजुअल सिस्टम। मजदूरों को मिनिमम वेतन कितना दिया जाता है आजकल? मिनिमम वेतन तो बहुत ही कम है, मिनिमम वेतन करीब 10-12 हज़ार। अलग अलग धंधों के लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। दिल्ली राज्य में अभी 15,000 उन्होंने बनाया है सबके लिए। हमारा तो कहना है कि 1957 में जो अग्रीमेंट हुआ था मालिकों के प्रतिनिधि, मजदूर के प्रतिनिधि और सरकार के बीच में एक फॉर्मूला बनाया गया था, वो फॉर्मूला के हिसाब से अगर हम जाएं तो आज मिनिमम वेज 25,000-26,000 के ऊपर होना चाहिए।
ये ज़रूरी है किसी भी चार जन के परिवार को जिंदा रहने के लिए अच्छे तरीके से, और इसके कैलकुलेशन है 2700 कैलोरी प्रति एक यूनिट के लिए, एक परिवार में तीन यूनिट गिने जाते हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे, तो दो बच्चे आधा आधा करके तीन यूनिट गिने जाते हैं। हर फैमिली के लिए साल के 72 वार यानी 72 यार्ड्स कपड़ा, क्योंकि 57 में जब ये नियम बनाए थे तब यार्ड चलता था, वार चलता था, तो 72 यार्ड्स रहने के लिए जो घर मिलना चाहिए। ये सरकारी नौकरों को जो घर दिया जाता है उसका जो रेंट होगा नॉर्मली मार्केट में, वो रेंट के हिसाब से रेंट दिया जाए मजदूरों को। तो ये रहा रोटी कपड़ा मकान, फिर उसके ऊपर ईंधन, ये चीज़ के लिए और 25% बढ़ा के दें। और 91 में रैप्टेक और ब्रेड के केस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भी काफ़ी नहीं है, उसमें और 33% बढ़ाना चाहिए मजदूरों के बच्चों के शिक्षण के लिए, मजदूरों के स्वास्थ्य के लिए, मतलब कोई उनको हॉस्पिटल में जाना पड़े, डॉक्टर की दवाइयाँ लानी पड़े। 57 में ये सब मुफ्त था, शिक्षण मुफ्त था, हेल्थ मुफ्त था 91 तक, जबकि रैप्टेक और ब्रेड का केस आया इसमें ज़्यादा खर्चा होता था, तो और 33% बढ़ा है। वही फार्मूला अगर हम लें और सरकार के खुद के फिगर्स लें, सरकार के सातवां वेतन आयोग जो हुआ था ये 2016 में लिखा था कि सिर्फ रोटी और कपड़ा के लिए 9,200 रुपया, अगर वो हिसाब से बढ़ाते जाए और 4,000 रुपया लें सिर्फ घर भाड़े के लिए, अभी भाड़ा तो मुझे नहीं लगता है कि 4,000 से कम पूरे देश में कहीं पे भी, गांव में भी जाएंगे तो एक रूम का, एक घर का जहां पे परिवार रह सके, ऐसे रूम के भाड़े का तो कम से कम 4,000 होगा। तो ये हिसाब से अगर हम गिनेंगे तो 26,000 रुपया कम से कम होगा। अच्छा, अभी जो मजदूरों को चिकित्सा और भी जो व्यवस्था दी जानी चाहिए, क्या वो फ्री मिल रही है अभी? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही है अभी। सरकार तो दावे कर रही है कि उनको चिकित्सा फ्री दी जा रही है, उनको भत्ता जो है रोजाना भत्ता उनको अच्छा वेतन दिया जा रहा है। दावे करेगी सरकार के दावे भी नहीं है इसके बारे में। तो ESI में ये जिसे हम मजदूर बीमा कहते हैं, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस, मजदूर राज्य बीमा, तो ये मजदूर राज्य बीमा पे जो खर्चा होते जा रहा है सरकार की तरफ से, ये उनके खुद के आंकड़े बता रहे हैं, वो कम होते जा रहा है हर साल। अब मालिकों से कलेक्शन होना चाहिए, वो पूरा नहीं हो रहा है, और जो कलेक्शन हो रहा है वो मजदूरों के हित के लिए जिस तरीके से खर्चा होना चाहिए वो खर्चा भी नहीं हो रहा है। इसलिए ESI में आज रिजर्व करीब करीब 50,000 करोड़ रुपये जैसे हो गया। तो ये सिर्फ रिजर्व है, लेकिन आज अगर आप ESI के अस्पताल में कहीं पर भी जाइए, ऐसे अस्पताल मैंने देखे हैं जहाँ पर बैंडेज भी नहीं है, डॉक्टर बोलते हैं कि आपको बैंडेज लगेगा तो बाहर से खरीद के ले लो। तो ये हालत है आज ESI के अस्पतालों की, और सरकार को ये कहने के लिए कोई जगह ही नहीं है कि मजदूरों को सब के लिए जो है सरकार ने एक व्यवस्था और की है, लेबर कार्ड। तो लेबर कार्ड दिया गया है, लेबर कार्ड में उनको जो है जैसे कोई ऐसी जैसे महामारी आ गई थी उस टाइम पर उनको राशन फ्री दिया जा रहा था, उसी कार्ड के जरिए उनके घर पे खाना पहुंच रहा है, और अभी भी शायद दिया जा रहा है, सब अदा कर रही है सरकार, और पैसे भी 10,000 जो है उनको दिया जा रहा है, क्या ऐसा हो रहा है? नहीं, कार्ड पे कुछ नहीं मिल रहा है, कार्ड पे कुछ योजनाएं हैं जनश्री जैसे, उसके लिए कार्ड के आधार पे मजदूर अप्लाई कर सकता है, पर वो कार्ड के बगैर भी अप्लाई कर सकता है। तो जनश्री योजना के लिए अगर 25 मजदूर एक साथ आ जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। जनश्री योजना में कुछ छोटे मोटे फायदे मिलते हैं कि दो बच्चों तक जो पढ़ाई कर रहे हैं, 6वीं से लेकर 11वीं तक हर महीना 50 रुपया सरकार देगा, और उसके लिए जो सिर्फ 50 रुपये सिर्फ 50 रुपये प्रति लड़का, और सिर्फ दो औलाद के लिए, उसके बाद नहीं देंगे, तीसरी औलाद के लिए नहीं देंगे, क्योंकि सरकार की नीति है ना, हम दो हमारे दो, तो इसलिए सिर्फ दो के लिए देंगे, और बस इतना ही ये मुख्य फायदा है उसके लिए, इतना ही कि साल में सिर्फ 50 रुपया वर्कर को करके उस कार्ड पे 50 रुपये दिया जा रहा है। 10,000 तो कोई बात ही नहीं है, 10,000 तो वो कह रहे हैं मिनिमम वेज का, वो फ्लोर लेवल मिनिमम वेज फिक्स किया गया है,
लेकिन ये फ्लोर लेवल मिनिमम वेज कई राज्यों में और कई जगहों में नहीं माना जा रहा है। ये सिर्फ फ्लोर लेवल मिनिमम वेज सरकार ने डिक्लेयर किया है। इवन मनरेगा में ये पूरे तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, जबकि लागू करने का कानून से उनको करना चाहिए 10,000 रुपया वेतन का। तो ये है हालत आज अपने देश में मजदूरों की, बहुत ही कठिन हालत है। कुछ ही साल पहले, अभी आपको मालूम है 2 साल पहले केरल के औरतों ने, जो ये चाय के बगान में काम करती हैं और चाय की पत्तियां चुनती है, तो ये चाय की पत्तियां चुनने वाली औरतों ने बड़ा आंदोलन किया था कि 500 रुपया दिन का तो हमें मिलना चाहिए, मतलब महीने का 15,000, वो भी नहीं मिल रहा है। आज तक वो आंदोलन भी सफल नहीं हुआ। सरकार ने आश्वासन दिया उनको कि हम करेंगे, लेकिन आज तक वो हुआ। तो अभी क्या कुछ करेंगे यहाँ पर? आप लोग दिल्ली आए हैं, पहले तो ये बताइए आप लोग सभी कहाँ से आए हैं? यहाँ पे आज केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, कई राज्यों से आए हैं, करीब करीब सभी राज्यों से आए हैं, कुछ एक हाथ छोड़ के, मतलब नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से बहुत दूर है इसलिए नहीं आए हैं, जम्मू कश्मीर से मुश्किलें हैं अभी तो इसलिए नहीं आए हैं, बाकी सब राज्यों से आए हैं। तो यहाँ भी क्या कुछ रहेगा, क्या आपकी मांग सरकार सुनेगी यहाँ पर धरना प्रदर्शन? हमें उम्मीद नहीं है कि आज के आज सुनेगी, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि सभी मजदूर संगठन को हमने निमंत्रित किया है कि हमारे मंच पे आके बोलिए, आपके विचार रखिए, और अगर आप भी कहते हैं कि ये 4 लेबर कोड्स के खिलाफ हमें लड़ने की जरूरत है, ये 4 लेबर कोड्स रद्द कर दिए जाने चाहिए, तो चलो हम सब एक साथ आए और इसके खिलाफ लड़े, ये हमारा मकसद है मुख्यतः। तो हम सरकार को बताना भी चाहते हैं, क्योंकि अभी विंटर अधिवेशन आने वाला है सरकार का, एक माहौल निर्माण हो जाएगा। हम कहना चाहते हैं सरकार को कि ये न करें। हमने निवेदन भी दिए हैं, प्रेसिडेंट को दिए हैं, श्रम मंत्री को दिए हैं, और साथ ही साथ हम ये भी करना चाहते हैं कि सभी यूनियंस को एक साथ लाके हम साथ में लड़े, इसका एक उनको इनविटेशन देना चाहते हैं कि चलो हम साथ में आके एक मंच बनाएं और इसके खिलाफ लड़ें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये देखिए कि मजदूरों की जो डिमांड और मांग है वो यही है कि उनको जो रोजाना का भत्ता होता है, गुजारा भत्ता, वो तक मिले। यानी कि जो वो इतनी मेहनत करते हैं, जो ये इमारतें खड़ी करते हैं, सोचिए उनके रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है, उनके चिकित्सा के लिए भी कोई कार्ड नहीं दिया गया, किसी तरीके की सुविधा नहीं दी गई है। 4 लेबर कोड लाकर जो है उनके ऊपर लागू कर दिया गया है, तो वही 4 लेबर कोड को ये रद्द करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं और लगातार मांग और डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि किसी भी तरीके से जो उनकी मेहनत आना है वो रोज का उनको मेहनताना मिल जाए, क्योंकि जो लगभग जो इनको रोजाना का जो मेहनत मिलती है वो 200 रुपए करके मिलती है, जबकि हर जगह पर जो है मजदूरों को अलग अलग तरीके से वेतन दिया जाता है। तो सोचिए कैसे गुजारा भत्ता इनका चलेगा, कैसे घर चलेगा, इतनी महंगाई है और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई का खर्च, तो ये बच्चों को क्या ही पढ़ा लेंगे, क्या ही शिक्षा दे पाएंगे। तो इससे अंदाजा लगाइए कि सरकार किस तरीके से अपनी जो लेकर के आ जाती है नीतियां और इनको लागू कर देती है, तो उससे आम जनता पर क्या असर पड़ता है, ये वो असर है। तो इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा।